देश के संविधान ने सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया है। क्या सभी को शिक्षा का अधिकार मिल पाता है? क्या सभी पढ़ पाते हैं? सवाल इसलिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे देश में स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। शिक्षा के इस मंदिर में देश के ननिहाल का भविष्य संवारा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में स्कूल शिक्षा के मंदिर के बजाय व्यापार का जरिया बन गए हैं। शिक्षा अब कारोबार बन गया है। मोटी रकम लेकर भी बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी जाती। 5-स्टार होटल की तरह स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिक्षा और सुविधा के नाम पर पैसों की लूट हो रही है। मोटी रकम वसूलने के बाद भी बड़े स्कूलों से बच्चे पढ़ लिख कर जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। सवाल है कि सुविधा के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले स्कूलों में बच्चों को कैसा संस्कार सिखाए जाते हैं, ये जानने के लिए एपीएन न्यूज की टीम ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के स्कूलों की पड़ताल की। एमपी के रतलाम में एलकेजी, यूकेजी और पहली क्लास से 12वीं तक के करीब 784 स्कूल हैं, जहां करीब 119,717 छात्र पंजीकृत हैं। इस स्कूलों में से कई ऐसे हैं जिनकी फीस काफी ज्यादा है, लेकिन फीस के मुताबिक वहां छात्रों को सुविधाएं नहीं दी जाती है। इन स्कूलों में ना तो छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था है और ना ही उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगे हैं। कई स्कूलों के वाहनों की भी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसी के जरिए बच्चों को लाने और ले जाने का काम चल रहा है। कई स्कूलों की तो खुद की बिल्डिंग तक नहीं है। स्कूल प्रशासन किराए पर बिल्डिंग लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ स्कूल पेट्रोल पंप के पास होने के बावजूद चल रहे हैं। इन स्कूलों को कैसे मान्यता दी गई, या फिर ये बिना मान्यता के ही चल रहे हैं, इस पर बोलने के लिए कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयार नहीं है। अभिभावक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल की लापरवाहियों की वजह से पढ़ाई से ज्यादा वक्त खेलने कूदने में बिताते हैं। कई स्कूलों में तो बच्चों को स्कूल के बाहर खेलते देखा गया है, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की। लेकिन जब स्कूल प्रशासन की ही गलती से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या सुधार करेंगे? अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई से लेकर आने जाने तक सभी जगहों पर परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। बस का जो रंग है, रंग सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, उस कलर की भी बसें नहीं चल रही है। उनके साथ में एक अटेंडर होना चाहिए, वो अटेंडर भी साथ में अक्सर देखा जाता है कि नहीं रहता है। और अधिकांश बसों पे तो मैंने देखा कि नंबर भी उस पर नहीं है, नंबर प्लेट भी लगी हुई नहीं है। स्पीड का भी सरकार के द्वारा नियम बनाया गया, पर एक ड्राइवर भी जो अनट्रेंड ड्राइवर है वो बसें चलाते हैं, और चूंकि जल्दबाजी में रहते हैं इसलिए वो स्पीड से बस चलाते हैं, और उसके लिए जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते हैं। अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक संगठन के जिला अध्यक्ष दिनेश जैन से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये सभी शिकायतें सही है, जिसकी कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। अटैचमेंट के लिए हम लोगों ने काफी अवगत कराया, जिला शिक्षा अधिकारी से लेके आपके मीडिया के माध्यम से सारी चीजों को लेके लिखित में मौखिक कई बार दिया गया, लेकिन अटैच एक ऐसी परंपरा चल गई है कि इसको बंद करना लगभग माना जाए तो बहुत मुश्किल सा होता जा रहा, और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब कुछ लिप्त है, और ये बहुत बड़ा एक गुनाह है शिक्षा विभाग के लिए। स्कूल प्रशासन को चाहिए कि ऐसे विस्फोटक जगह है वहाँ पे अपने स्कूलों को कम से कम नहीं खोले, और दूसरी बात अगर वहाँ पे खोला तो प्रशासन ने भौतिक सत्यापन हुआ है, भौतिक सत्यापन ने अधिकारियों ने क्या देखा, और इससे कहीं ना कहीं दोनों संदेह के घेरे में। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अमर वर्धानी ने अभिभावकों की शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल मानकों के मुताबिक चल रहे हैं, कहीं किसी तरह की समस्या नहीं है। प्रशासन की तरफ से समय समय पर औचक निरीक्षण कर हालातों का जायजा भी लिया जाता है। हाँ, मई जून में हमने निर्देश जारी कर दिए थे, शासन के निर्देश आए थे, और हम समय समय पर इनकी परीक्षण भी करते हैं। स्पीड के बारे में, यहाँ बिल्कुल स्पीड कंट्रोल में रहती है, रतलाम शहर में जितनी भी बसें हैं हम उनकी जाँच करते हैं। इसके अलावा RTO विभाग भी इसकी जाँच करता रहता है नियमित रूप से, और हमारा प्रयास यही है कि बसें कंट्रोल से चले, सभी नियमों का पालन करें। और यहाँ रतलाम में जितने भी स्कूल हैं और आसपास जावरा में और इनमें, इनका कलर नियमानुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी के इस बयान और हमारे कैमरे में कैद हुई तस्वीरें अलग अलग हालात बयां करते हैं।
अब सवाल ये है कि जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल की दुश्वारियां और स्कूल प्रशासन की मनमानी दिख नहीं रही है या फिर जानबूझकर इसे देखना नहीं चाहते। रतलाम से जेडी बैरागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन।